ऐसे जो जो यूरिया यूरिया क्या क्या करते हैं, स्पीसर करते हैं, उन लोग यूरोपेली क्या करते हैं, एनिमल कहते हैं, मतलब ऐसे जीव, मतलब कह सकते बेटा ऐसे जीव जीव जो जो क्या करते हैं यूरिया का सीक्रेशन, यूरिया का क्या करते हैं, यूरिया का यूरिया का क्या करते हैं, स्पीसर करते हैं, स्पीसर करते हैं। तो उस प्रकार के जीव को हम क्या कहें, उस प्रकार के जीव को हम कहेंगे यूरियो यूरियोटेलिक एनिमल कहेंगे। इस प्रकार के जीव को हम क्या कहेंगे बेटा, यूरियोटेलिक एनिमल्स कहेंगे। मतलब ऐसे जीव जो क्या करते हैं यूरिया का क्या करते हैं, स्पीसर करते हैं, यूरिया को भी क्या करते हैं शरीर से बाहर करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे यूरियोटेलिक एनिमल कहेंगे। और इस पिना और इस फिनोमेना को क्या करते हैं, और इस प्रकार की घटना को, इस प्रकार की फिनोमेना और इस प्रकार की फिनोमेना को क्या कहते हैं बेटा, यूरियो यूरियोटेलिज्म कहते हैं, यूरियोटेलिज्म कहते हैं। मतलब देखो ऐसे जीव जो यूरिया का एक्सक्रीशन कहेंगे करते हैं उसे हम यूरियोटेलिज्म कहते हैं, और इस प्रकार की घटना को क्या कहते हैं यूरियोटेलिज्म कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं यूरियोटेलिज्म कहते हैं। इसके बाद इसमें जैसे बेटा इसमें यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है, यूरिया का फॉर्मेशन देखो, यूरिया का फॉर्मेशन, यूरिया का फॉर्मेशन जो है, यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है, यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है। ठीक है, यूरिया का फॉर्मेशन जो है लीवर में होता है, कहाँ होता है लीवर में, कहाँ होता है लीवर में। यूरिया का फॉर्मेशन कहाँ होता है, कहाँ होता है, कहाँ होता है लीवर में। ठीक है, यूरिया का फॉर्मेशन लीवर में होता है। इसके बाद कह सकते हैं अपने शरीर में यूरिया लीवर में बनती है, यूरिया ट्रांसपोर्ट बाय द ब्लड प्लाज्मा के द्वारा, और यूरिया किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट होता है, ब्लड प्लाज्मा के द्वारा। यूरिया ट्रांसपोर्ट बाय ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा, प्लाज्मा। यूरिया ट्रांसपोर्ट बाय किसके द्वारा, ब्लड प्लाज्मा, ट्रांसपोर्ट बाय द ब्लड प्लाज्मा के द्वारा, किसके द्वारा यूरिया ट्रांसपोर्ट बाय द ब्लड प्लाज्मा। यूरिया का जो ट्रांसपोर्टिंग होता है बेटा वह ब्लड प्लाज्मा के द्वारा होता है। इसके बाद इधर हम देखेंगे बहुत ज्यादा पूछा जाता है बेटा आपकी बुक में भी है, क्या है कि मतलब हिपैटिक वेन, जो वेन होती है यूरिया की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, कहाँ यूरिया की मात्रा सबसे ज्यादा हिपैटिक है, हिपैटिक हिपैटिक वेन होती है, एक वेन होती है जहाँ पर यूरिया की मात्रा क्या होती है सबसे अधिक होती है, यूरिया की मात्रा मात्रा सबसे अधिक होती है, यूरिया की मात्रा सबसे अधिक कहाँ होती है, एक वेन होती है, वेन होती है सीरा होती है जिसे हम क्या कहते हैं हिपैटिक वेन कहते हैं, जहाँ पर यूरिया की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसके बाद दूसरी चीज, सबसे कम यूरिया की मात्रा कहाँ होती है, सबसे कम यूरिया की मात्रा होती है सबसे सबसे नहीं रीनल रीनल वेन्स, रीनल वेन्स में एक एक वेन होती है बेटा उसे कहते हैं रीनल वेन, जिसमें क्या होती है सब यूरिया की मात्रा, यूरिया की मात्रा मात्रा सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। इसका मतलब आप समझो, इसका मतलब ये है कि हिपैटिक वेन एक ऐसी वेन होती है, ये वेन जो होती है बेटा लीवर के पास होती है, लीवर के पास, लीवर के पास की वेन, मतलब लीवर की जो वेन होती है उसे हिपैटिक वेन कहते हैं, और सबसे ज़्यादा यूरिया की मात्रा वहीं होती है। और जो रीनल वेन होती है यूरिया की मात्रा सबसे कम होती है, रीनल वेन जो पाई जाती है किडनी में पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है किडनी में,
में पाई जाती है। ठीक बेटा, कहाँ पर पाई जाएगी? किडनी में पाई जाती है। ठीक है, इसके बाद आता है तुम्हारा एग्जाम्पल के रूप में हम बताते हैं यूरी। अब यूरिया का एग्जाम्पल कौन है? इलामाइन एम्फीबिया के साथ अर्थ बैठकर इक्वेटिक रेप्टाइल देख रही थी। मतलब एक तुमको क्या बताएंगे, इधर मिटा दे क्या? यस सर। इधर मिटा देते हैं। एम्फीबिया के साथ इलामाइन एम्फीबिया के साथ एम्फीबिया के साथ एम्फीबिया के साथ अर्थ पर बैठकर एक्वेटिक रेप्टाइल देख रही थी। एक्वेटिक रेप्टाइल देख रही थी। इसका एग्जांपल आप समझो कि जानते हो बेटा, इलास्मो ब्रांचेस फिशेज होती है। एक फिश होती है वह यूरिया का, वो रहती तो है एक्वेटिक है तो एक्वेटिक, लेकिन यूरिया का सिक्रीशन करती है। इलास्मो ब्रांच फिशेज, इलास्मो ब्रांच फिश, ठीक है, इलास्मो ब्रांच फिश है, ये किसका सिक्रीशन करेगी? यूरिया का। इसका एग्जांपल है बेटा, एग्जांपल है कौन? और इसके बाद मैन से क्या हो जाएगा? मैन से हो जाएगा मैमल्स। मैमल्स मतलब हम लोग क्या करते हैं? यूरिया का सिक्रीशन। हम लोग का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है वह क्या है? यूरिया ही है। इसके बाद आता है एम्फीबिया। एम्फीबिया जो होते हैं, एम्फीबिया क्या करते हैं? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट उसका भी यूरिया है। जैसे मेंढक का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट अमोनिया और यूरिया दोनों होता है। फिर इसके बाद आता है अर्थवाल। कहाँ पर? के साथ अर्थ पर बैठकर अर्थवाल का मतलब है बेटा केचुआ। केचुआ जो है, केचुआ क्या करता है? ये किसका सिक्रीशन करता है? यूरिया का सिक्रीशन करता है। इसके बाद देखो तुम्हारा आता है अर्थवाल हो गया, एक्वाटिक रेप्टाइल। कुछ एक्वाटिक रेप्टाइल भी होते हैं, जो एक्वाटिक रेप्टाइल होते हैं वो भी क्या करते हैं? यूरिया का सिक्रीशन करते हैं। यूरिया का क्या करते हैं? सिक्रीशन करते हैं। ठीक है बेटा, अर्थात हम इसका एग्जांपल देख सकते हैं। इलामाइन एक हम फार्मूला है, इलामाइन एम्फीबिया के साथ अर्थ पर बैठकर इक्वेटिक रेप्टाइल देख रही थी। मतलब इला से इलास्मो ब्रांच।